तो दूसरी जानब आपको बताएं कि एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार का कराची के शहरियों के लिए भी बिजली सस्ती करने का मुतालबा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची वालों को जबर की चक्की में पीसा जा रहा है, लोगों को खुदकुशी पर मजबूर किया जा रहा है। फारूक सत्तार का मजीद कहना है कि कराची वालों में लावा पक रहा है, अगर ये सब ठीक ना हुआ तो कराची की सड़कों पर इंतजार नजर आएगा। मैं मुतनब्बे कर रहा हूँ ये 3 से 5 रुपए का इजाफा फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में फिलफौर वापस लिया जाए, और जो 14 रुपए की रिलीफ पंजाब में दी गई है उस 14 रुपए की रिलीफ का कोई मॉडल बनाकर कोई ये सब्सिडी दे, सिंध के अवाम को दें, सिर्फ लड़काना नवाबशाह के अवाम को भी ये 14 रुपए की जो सब्सिडी है वफाक फराम करें। अगर हमारा सूबा हमें फराम करने से जो है वो इनकारी है, भाई हम भी इंसान हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान का आइन यहाँ भी उतना ही नाफिस होता है जितना पंजाब में होता है। 4000 अरब रुपए का रेवेन्यू डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुल्क के कौमी खजाने में दे, उसे 40 अरब की खैरात दें आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये तमाशा कब तक लगेगा? कब तक हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान लिया जाएगा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।